Jai Hind Future Officers, today I am welcome you on the platform of Indore Defence Academy YouTube channel. So we are going to start our fourth lecture of Polity series and continuous we are making our this series best for you. तो आज से हमारा चौथा सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी, ये सीरीज जो है आपके लिए हेल्प आउट करेगी और ये सारे सब्जेक्ट के लिए हम ऐसी सीरीज कंटिन्यूस कर रहे हैं. तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो भी CDS, NDA, FCAT की तैयारी कर रहा है. चलिए अब चालू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का. तो पहला क्वेश्चन जो है उसे हम पढ़ते हैं पहले. When did the first linguistic state of Andhra come into existence? मतलब पहला भाषा के आधार पर कौन सा आंध्र स्टेट किस तारीख पे आया, ये तारीख पूछ रहा है आंध्रा की. तो इसमें जैसे कि पहली तारीख दी है 1 अप्रैल 1953, 5 जनवरी 1953. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन रहेगा. तो आप एक चीज याद रखें, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये चेंज नहीं होने, तो इनको आप बार बार रिवाइज करते रहे, अपनी रिवीजन साइकिल ना भूले. और अभी जो समय चल रहा है आप लोग का एग्ज़ाम, जैसे कि अप्रैल में होगा CDS वालों का CDS 1, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन, 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 ठीक है. तो ये ध्यान रखें. क्वेश्चन 2, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हिंदी शैल बी, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हिंदी शैल बी, हिंदी क्या है हमारी, ये उस दिन मैंने शायद आपसे चर्चा भी कर रखी है. तो अपन एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन. ऑप्शन ए द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, द कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा. सी में है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 343 से है. और इसमें दो लैंग्वेज, उस दिन मैंने समझाया भी, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश जो कि अडॉप्ट की गई थी 1950 में जब हमारा भारतीय संविधान बना था, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, ये चीज क्लियर. फिर हिंदी, ठीक है. और जो हमारा आर्टिकल है कौन सा, 343 क्लॉज 1 क्या कहता है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो अब जैसे ये नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर के लिए कहता हूं कि हमारा क्या कोई नेशनल स्पोर्ट्स है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन थ्री, द इंडियन पार्लियामेंट कैन इनवेड अ स्टेट लिस्ट, मतलब हस्तक्षेप कब कर सकता है स्टेट लिस्ट में हमारा पार्लियामेंट. तो पढ़ते हैं, सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अज्यूम ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हाँ, द प्रोक्लेमनेशन ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इशूड बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डू सो. तो अब इसमें से हमें ये देखना है कौन सा सही है. पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज टू पार्लियामेंट, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता. प्रोक्लेमेशन, हाँ, अगर राज्य में इमरजेंसी लगी है तो पार्लियामेंट राज्य के काम या लॉ बना सकता है, देख सकता है स्टेट लिस्ट के, और स्टेट लिस्ट में अगर कोई ऐसी पार्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है तो वो भी देख सकता है. तो इसमें 1 और 2 सही है. तो आप ऑप्शन देखते, ऑप्शन बी इज करेक्ट 1 ये. और आने वाले समय में हम यूनियन के लिए सारा पार्ट जो है वो कोशिश करेंगे यूट्यूब पे आपके लिए डाल दें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि PDF फॉर्म में रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको यूनियन का जो पार्ट एग्जाम के पहले वो अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन 4th जो है वो है व्हाट इज 0R, 0R क्या है, ये पार्लियामेंट के सदन में बात चल रही है. व्हेन द मैटर ऑफ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट आर रेज्ड विदाउट अ प्रायर नोटिस, ठीक है. व्हेन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, लोग सब बिल्कुल नहीं. व्हेन अ सेशन बिकम 0, बिल्कुल नहीं. एट 12 o'clock, बिल्कुल नहीं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि विदाउट प्रायर के इंपॉर्टेंस कोई नोटिस कर कोई भी MP ला सकता है 0R. अब जैसे कि हमारे यहाँ 3 वो होते हैं, क्या 3 सेशंस,
है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट सेशन कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट सेशन होता है हमारा विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर में रहता है, ठीक है। एक मानसून सेशन, ठीक है, और एक समर सेशन। तो इन तीन सेशनों में से सबसे लार्जेस्ट सेशन कौन सा है। विंटर तो स्मॉलेस्ट है, जो मैंने आपको बता दिया, कब से कब तक, नवंबर से दिसंबर के बीच में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम आज के। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ द पीपल। किसके पास फाइनल पावर होती है तो मैं ऑर्डर में लोकसभा को या लोकसभा के पटल को संभालने की सदन में। तो अब चीफ सिक्योरिटी स्टाफ बी तो ऑप्शन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट तो रहते नहीं है। तो स्पीकर, जो भी डिसीजन होते हैं, जो सारी चीजें मेंटेन होती है, वो नियम रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सब कुछ कौन देखता है, हमारे स्पीकर साहब देखते हैं। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर आज हम बढ़ते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इफ आइदर स्पीकर और नॉर द डेप्यूटी स्पीकर इज अवेलेबल। मतलब लोकसभा में स्पीकर का काम कौन करेगा जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। अब इसमें से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। चलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द मनी बिल। मनी बिल आ गया, तो मनी बिल किस आर्टिकल में है हमारे, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इफ इट नॉट रिटर्न बाय अ राज्यसभा विद इन 40 डेज। नहीं नहीं भाई, राज्यसभा से पास होना अनिवार्य नहीं है, राज्यसभा को इसमें मंजूरी देना है। मनी बिल के पास, आप एक चीज याद रखें, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है मनी बिल के रिगार्ड में। इट कैन बी पास्ड बाय द लोकसभा इवन इफ राज्यसभा रिजेक्टेड। हाँ, इट्स नॉट करेक्ट, सॉरी। हाँ, ये भी गलत हो गया। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं भाई, ये सही है। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, ऐसा मार्क करो आप। अब देखो, ये हमारे लिए गलत, मतलब अब आपको करेक्ट बताते। जैसे अगर इधर नॉट अगर मैं हटा दूं, विचार करेक्ट की बात की जाए, नॉट जैसे ये रिमूव कर दिया, जैसे बताता हूँ। इट इज रिक्वायर, हाँ, अप्रूवल लगता है मनी बिल के लिए, डीम, हाँ ये भी हो सकता है। इट कैन बी पास बाय लोकसभा इवन राज्यसभा रिजेक्टेड, बिल्कुल सही है। तो ये तीन इसमें सही है, अगर नॉट नहा नहीं हो यहाँ पे तो। पर यहाँ क्या आगे मैंने नॉट, यहाँ क्या गया मैंने नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट का तो ये अब हमारे लिए गलत होगा क्योंकि ये सही ऑप्शन है। अब ये हमारे लिए सही होगा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नहीं भाई, सही है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है अप्रूवल, और इसको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा। ये तो सभी को पता होगा, बिहार भी नहीं, उड़ीसा भी नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लोकसभा। एलिजिबिलिटी फॉर रीजनल पार्टी, कुछ एलिजिबिलिटीज होती है रीजनल पार्टी के लिए, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कब माना जाएगा? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एटलीस्ट 3 स्टेट। नहीं भाई, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एटलीस्ट इन 4 स्टेट, देखते हैं। टू गेट 1/10 ऑफ द स्टेट ऑफ लोकसभा, नहीं। टू गेट 1/10 सीट इन ऑफ अ पार्लियामेंट, नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उनके पास कम से कम सीट्स जीतनी चाहिए, तब वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा लेती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ, किसकी पोस्ट मेंशन नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन। डेप्यूटी चेयरमैन, हाँ गिवन है राज्यसभा में, इसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो। तो ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाँ बिल्कुल है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे तीनों तीनों चीज मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर एक चीज मेंशन नहीं है, वो क्या नहीं है? डेप्यूटी
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे यहाँ मेंशन नहीं है। जैसे हम पीएम पढ़ते हैं तो वहाँ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी जिक्र नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 11 था आज का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई, अपन देखते। डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, हाँ डेप्यूटी चेयरमैन की भी मेंशन नहीं रहती, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हाँ है, डेप्यूटी हाँ है, तो ये भी मेंशन नहीं रहती। पर इधर क्या है, मेंशन डज नॉट मेंशन पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इन दो क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, अभी इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक है। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया वॉज, द फर्स्ट गवर्नर वुमेन, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो जिस देश ने मुझसे, ए सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, नहीं ये तीनों नहीं है। राइट आंसर ए है, सरोजनी नायडू। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेसिडरी पावर वेस्टेड टू द वेस्टेड विद, रेसिडरी पावर किसके पास है? फुल एंड फाइनल रेसिडरी पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, हमेशा याद रखना, रेसिडरी पावर वेस्टेड विद यूनियन गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज हैविंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट स्टेट असेंबली, नन ऑफ दिस, ये दोनों नहीं है। करेक्ट आंसर है, आंसर है इसमें पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर होते हैं जो कि वोट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन पे बेस। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से याद रखें, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारे प्रेसिडेंट का। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं आज के। द पंचायती राज इंस्टीट्यूट डिपेंड ऑन द फंड्स, इसमें ने पूछा है फंड्स मेनली ऑन किसके फंड्स पे होते हैं? लोकल टैक्स बिल्कुल नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल नहीं, मेनली पूछा है, तो गवर्नमेंट फाइनेंस होता है, स्पेशल टैक्स नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, गवर्नमेंट फाइनेंस। आप एक चीज याद रखें, पंचायती राज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा मिला था। तो ये चीज आप याद रखें, और पहला जो स्टेट बना वो एमपी बना इसको लागू करने वाला, जी यहां तक आप याद रखें। और ये किसकी थिंकिंग पे बना था? तो ये बना था, आपको याद रखना है, गांधी जी और हमारे जो भी उस समय के लीडर रहे आजादी के, कि पंचायती राज बनाने का, कि जो हमारा पावर है या इलेक्शन का जो भी मेथड है वो ग्राउंड लेवल से चालू है, विलेज लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, और इसमें एक विलेज लेवल का भी पार्टिसिपेशन हो, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोफेशनल टैक्स, सेल्स टैक्स। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, लेवाई ड्यूटीज, जो भी ड्यूटीज के टैक्स वगैरह ये कलेक्ट करते हैं वो। बलवंत राय मेहता सजेस्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जिसने मेरा ऑफलाइन क्लास में ये मुझसे पॉलिटी पढ़ रखी है पंचायती राज की, तो वो मैं श्योर हूं वो गलत कर ही नहीं सकता इसमें। द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, द मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, द विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, द विलेज मंडल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, नहीं, उनने सजेस्ट किया था विलेज, फिर विलेज के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, ये स्ट्रक्चर उनने बताया था। तो यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आज आप कहोगे सर आप ज्यादा डीप में नहीं समझा रहे, क्योंकि थोड़ा मुझे इंजरी है पैर में, इस वजह से मैं ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकता, बस आपके एग्जाम की वजह से मैं इसे
कंटिन्यूस कर रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स है या जो ऑफिसर्स है उनका लॉस ना नहीं हो फ्यूचर ऑफिसर्स का, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी पढ़ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े और मन लगा के पढ़े, और अभी जो आपके पास लास्ट 1 महीना बचा है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो अप्रैल में एग्जाम होना है CDS 1 वो कितना बेहतरीन होगा अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे। तो इस चीज पे भी ध्यान रखें। तो ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मेंडमस हेबिपियस क्रॉप्स शर्शरी क्यों वॉरेंटो, ये 3 क्वेश्चन हैं, 4 सॉरी। अब हम देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ एन ऑफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मेंडमस, ये तो उसी दिन मैंने आपको बताया था, ये हो गया। हेबिपियस कॉर्पस रिलीज ऑफ अ इलीगल डिटेन पर्सन, सही बात है। सर्शरी ट्रांसफरिंग ऑफ अ केस फॉर एन इंटीरियर कोर्ट ऑफ हायर जुडिशियल, सही है। क्यू वॉरेंटो कॉलिंग अपॉन वन टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स और क्लेम अ फ्रेंचाइज ऑफिस, बिल्कुल सही है, ये 4 सही है। ये बताए थे ना मैंने, ये होते हैं, एक होता है पार्डन, 5 होते हैं, रिट सही है ना। तो ये आप याद रखना, सॉरी पार्डन नहीं होता, क्या बता दिया, मेंडमस मेंडमस हेबियस सर्चरी कोवरेंटो, ये 4 होते हैं, और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सारा समझा रखा है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, वो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जी आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम आज के 19th क्वेश्चन पे, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ लीजिए। लिस्ट 1 में क्या है, फॉर्म ऑफ ओथ अफर्मेशन, सही बात है। प्रोवेंशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरियाज, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अलोकेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। लिस्ट 2 पढ़ते हैं, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल। चलिए, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन का क्या है, सेकेंड, तो इसका आप सेकेंड कर दो ऐसा। अब प्रोविजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरिया 5th शेड्यूल में मेंशन है, ये तो हमारे पंचायती राज में भी पढ़ रखा है। सी का वन कर दो ये। लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शेड्यूल 1 में गिवन। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो भाई 3rd शेड्यूल में बताया गया, तो आंसर क्या होगा, ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ कहाँ गिवन है, ए और सी में गिवन है, देख लीजिए, ए और सी में गिवन है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत होगा, एलिमिनेशन करें हम। अब बी का फोर्थ कहाँ गिवन है, सिर्फ ए में, ये आ गया हमारा राइट आंसर। मतलब अगर आपको इसमें से 2 भी पता है और वो दोनों आप कर लेते हो तो इसमें से आप आंसर कर लोगे। देखिए, जैसे इसका आंसर ये आ गया, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, वो इधर किया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 20th क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंडियन पार्लियामेंट, फाइनेंस कमीशन, दोज एसोसिएटेड विद द प्लानिंग सोर्स इन इंडिया। प्लानिंग सोर्स से क्या एसोसिएट करते हैं, तो पहला चीज हम 4th कैंसिल कर दें, हाँ इंडियन पार्लियामेंट प्लानिंग सोर्स से इंक्लूड है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो हमारे PM साहब होते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो कि आप सॉरी जो कि अब नीति आयोग संभाल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अब एक चीज याद रखना, अगर आप पेपर में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना जी। अब चलिए, अब हम चलते हैं 21st क्वेश्चन की ओर। 21st, एक्सपर्ट लीगल एडवाइस द गवर्नमेंट फॉर ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड बाय, एडवाइस कौन करता है, आपको पता होगा इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वही तो सलाह देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नहीं ये बिल्कुल नहीं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल जो कि हमारे मेंशन है आर्टिकल 76 में जी। चलिए नेक्स्ट, 22nd, हु इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायर ऑफ इट्स टर्म, किसके पास शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, द प्राइम मिनिस्टर, नहीं अकेला नहीं, द
प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हर कुछ एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। नेक्स्ट 20, थर्ड ये आ गया बहुत प्यारा, मैच द फॉलोइंग। आंध्र प्रदेश अभी बताया था कब बना है, चलिए जल्दी बताइए, आंध्र प्रदेश 1953। अब यहां हमें ऑप्शन ए का वन है, अब यहां हम एलिमिनेट कर दे, सी एलिमिनेट कर दिया, दिख रहा है आप लोग को, बी एलिमिनेट कर दिया, या तो अब ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है। तो गुजरात का क्या है, 1960, गुजरात का आंसर हो गया 1960। अब दोनों में सेम है, अब हमें एक और ऑप्शन पता करना है जो कि हमारा आंसर सही करे। क्यों, यहां सी का 3 डी का 4 है, और यहां सी का 4 और डी का 3 है, मतलब अगर हमने एक आंसर और पता कर लिया या एक चीज और हमें पता है तो हम यहां से हमारे नंबर ले लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं हरियाणा का कब रहा, सी का क्या, हरियाणा का है 1966 और नागालैंड का 1963। तो राइट ऑप्शन विल बी द डी वन, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। आपको ऐसे भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, शायद आप छोड़ देते होगे ऐसे क्वेश्चंस कि भाई नहीं आ रहा समझ में, 3 ही बन रहा है, तो इधर दिमाग लगा के एलिमिनेट कर लो। देखिए यहां तो 2 तो सेम ही है, अब अगर किसी को तीसरा भी पता है तो तीसरा चेंज हो गया सी का, या डी का पता तो डी का चेंज हो गया, तो आप एलिमिनेट कर ले गए, तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही होगा आपके ऐसे दिमाग लगाने से। थोड़ा दिमाग लगा के भी पेपर किया कीजिए, ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन पता है तो अपन नहीं कर रहे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अच्छे से देखो, ऑप्शंस अच्छे से देखो, क्या ऑप्शंस है कैसे, फिर उसके बाद थोड़े दिमाग लगा के पेपर करा करो, ऐसा नहीं है कि आग बंद करके कुछ भी कर दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप स्पेसिफाइड बाय अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कौन सा रिलेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव का है, फाइनेंस का भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है, तो जुडिशियल का सही ऑप्शन इसमें जुडिशियल हो जाएगा, या जुडिशरी का, जुडिशियल ट्वेंटी 24th का जुडिशियल रिलेशन नहीं होता है स्टेट और सेंटर का, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवेन है, ठीक जी, इस चीज का आप ध्यान रखें 25th, क्योंकि हमारी जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ड्यूटीज ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का आपको बहुत से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखें, टू डिफाइन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, नहीं भाई, टू मेक असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, नहीं, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड और सॉरी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान प्रपोजल, नहीं, प्रिपेयर अ एनुअल सेंट्रल बजट, नॉट, देखिए नॉट, नॉट पूछ लिया, अभी अपन दे देते तो ये ड्यूटीज तो होती है, तो ये हमारे लिए गलत हो गई, ये ड्यूटी भी होती है नेशनल कमीशन की, ये भी होती है, तो ये गलत हो गई थी। तो क्या होती है, एनुअल सेंट्रल बजट बनाएगा क्या प्लानिंग कमीशन, नहीं बनाएगा, तो ये हो गया करेक्ट वन। तो चलिए आज हमने हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आप अपनी मेहनत में लगे रहे और पूरी कोशिश करें कि इस बार CDS अप्रैल 2 में इंडोर डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ी रहेगी आखिरी दम तक। तो जय हिंद, अपना ध्यान रखें।